पापा का ऑफिस। गट्टू चिंकी के पापा एक ऑफिस के एम्प्लॉय थे और गट्टू चिंकी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे छात्र। पापा रोज अपनी कार से ऑफिस जाते वक्त गट्टू चिंकी को स्कूल ड्रॉप करते थे और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त घर ले आते थे। गट्टू चिंकी पापा का ऑफिस देखना चाहते थे लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला और दोनों पापा का ऑफिस देख ही नहीं पाए। पापा, कितनी बार कहा है हमने, ले चलिए ना हमें अपने साथ ऑफिस। बेटा कैसे ले चलूं? मेरे ऑफिस का टाइम और तुम्हारे स्कूल का टाइम एक ही है। मैं तुम्हें ऑफिस ले चलूंगा तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और तुम्हारा स्कूल छूटने के बाद तो हमारा ऑफिस ही बंद हो जाता है। पापा, सैटरडे के दिन हमारा ऑफ डे होता है। लेकिन बेटा, वीकेंड के दिन काम का बहुत प्रेशर होता है। इतना ही कह रहे हैं तो ले जाओ ना इन्हें, एक दिन दिखा दो तुम्हारा ऑफिस। ऐसा है तो सैटरडे को तुम ही लेके बच्चों को ऑफिस आ जाओ। वैसे भी सैटरडे को तो तुम ही इन्हें लेकर आती हो घर, उस दिन घर नहीं ऑफिस चले आना। ना बाबा, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे ऑफिस, बहुत बोर हो जाती हूँ मैं वहाँ। ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, देखा बच्चों, तुम्हारी मम्मी हमारे ऑफिस में बोर हो जाती है तो सोचो तुम्हारे क्या हाल होंगे। मैं तुम्हें ऑफिस जरूर ले जाऊंगा लेकिन किसी अच्छे मौके पर। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। आप हमेशा ऐसा कहते हो, पता नहीं ऐसा मौका कब आएगा। एक सैटरडे की बात है, सुबह सुबह गट्टू चिंकी स्कूल के लिए तैयार हो गए। चलो बच्चों, 7:30 बज गए, आज हाफ डे है तुम्हारा। तभी मम्मी ने गट्टू को आवाज लगाई और गट्टू किचन में चला गया और मम्मी से मिलकर वापस आया तो वो काफी खुश था। चलो पापा। क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी? कुछ नहीं। गट्टू चिंकी पापा की कार में बैठ गए और पापा ने दोनों को स्कूल छोड़ा। सुनो, तुम्हारी मम्मी आएगी तुम्हें लेने, यहीं गेट पर इंतजार करना, कहीं भटकना मत। हमें पता है पापा, आप जाओ। पापा निकल गए और गट्टू चिंकी भी क्लास में आकर बैठ गए। देखते देखते 12 बज गए और गट्टू चिंकी के स्कूल का हाफ डे खत्म हुआ। दोनों गेट पर आकर खड़े हो गए। काफी देर हो गई, सारे बच्चे अपने अपने मम्मी के साथ घर निकल गए लेकिन गट्टू चिंकी की मम्मी स्कूटी लेकर नहीं आई, इसलिए चिंकी को चिंता होने लगी। पता नहीं मम्मी क्यों नहीं आ रही। मम्मी नहीं आएगी चिंकी, हमें पापा के साथ ही घर जाना पड़ेगा। लेकिन पापा कैसे आएंगे, आज तो सैटरडे है, आज मम्मी आती है, पापा ऑफिस में होंगे, तो फिर हमें उनके ऑफिस जाना होगा। कैसे, पैदल इतनी दूर? नहीं, रिक्शा से, मम्मी ने रिक्शा के पैसे भी दिए हैं, ये देखो। गट्टू के हाथ में पैसे देखकर चिंकी कुछ समझ नहीं पाई। तब गट्टू बोला, चिंकी तुम एकदम बुद्धू हो, मम्मी जानबूझकर हमें आज लेने नहीं आई ताकि हम पापा के ऑफिस जा सके। सुबह जब मैं मम्मी के पास गया, मम्मी ने मुझे पैसे दिए और वो मेरे कान में बोली, आज मैं तुम लोगों को लेने नहीं आऊंगी, तुम दोनों रिक्शा से पापा के ऑफिस चले जाना, उनका ऑफिस देख लेना और उनके साथ शाम को लौट आना। क्या कहती हो चिंकी, चले? चिंकी काफी एक्साइटेड थी, वो एकदम से चीख पड़ी, चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी एक रिक्शा में बैठ गए और पापा के ऑफिस की तरफ निकल पड़े। ऑफिस की इमारत काफी विशाल और शानदार थी, बाहर से दोनों ने काफी बार देखी तो थी, आज अंदर से देखने का मौका मिला था। दोनों गेट पर खड़े थे कि तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया। शिट, अब इसे क्या कहेंगे? गार्ड दोनों के पास आया, उसके हाथ में एक डंडा था। डंडा देखकर गट्टू चिंकी डर गए। तभी अचानक गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, अरे गट्टू चिंकी, तुम पापा से मिलने आए हो? आपने हमें कैसे पहचाना, हम तो पहली बार ऑफिस आ रहे हैं। अरे सर ने तुम दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की है ना, वो हमने देख ली है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलो हम आपको अंदर सर के पास ले चलते हैं। गार्ड ऐसा कह ही रहा था कि तभी पापा आ गए। गट्टू चिंकी तुम यहाँ? पापा आपको कैसे पता चला हम आ गए? मैंने सीसीटीवी में देख लिया था, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ है? गट्टू ने पापा को सारी बातें बता दी तो पापा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी मम्मी भी ना,
इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चों जैसी शैतानियां करती रहती है। चलो अंदर चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी पापा के साथ अंदर ऑफिस में आए तो ऑफिस काफी क्लीन और ब्यूटीफुल था। अंदर सैकड़ों कंप्यूटर्स और उनके सामने सैकड़ों लोग बैठकर काम कर रहे थे। गट्टू चिंकी को देखकर सब खुश हो गए। हाय, वेलकम गट्टू चिंकी। हेलो, थैंक्स, हाउ आर यू? पापा ने गट्टू चिंकी को पूरा ऑफिस घुमाया, ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाए और फिर दोनों को लेकर पापा अपने केबिन में आए। पापा, आप तो कहते थे हम ऑफिस में बोर होंगे, लेकिन यहाँ तो हमें उल्टा मजा आ रहा है। बेटा, तुम्हें तो मजा आएगा क्योंकि काम हमें ही करना है, तुम तो बस घूमने आए हो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा, आपको और आपके टीम मेंबर्स को कितना काम करना पड़ता है। तभी पापा के बॉस आए जो काफी खुश थे। कमाल हो गया, गट्टू चिंकी के पैर हमारे ऑफिस में क्या पड़े, कुकरेजा बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। ओह, थैंक गॉड निशांत, कांग्रेचुलेशन, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। कांग्रेचुलेशन अंकल। थैंक्स बेटा, नीचे छोटी सी पार्टी रखी है, पापा को लेकर जल्दी आओ। बॉस जाते ही चिंकी पापा से बोली, देखा पापा, आप हमें किसी अच्छे मौके पर ऑफिस लाने वाले थे ना, लेकिन उल्टा हो गया, हमारे आते ही मौका बन गया, इसलिए मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद मौका बनाना चाहिए। वाह बेटा, बहुत बढ़िया बात बोली है, शाबाश। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।